Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And don't forget to press the bell icon. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 से है। इस टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका रेगुलर जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, रेगुलर चैप्टर्स के इसके वीडियोस। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जो है ये टॉपिक को वो हम करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन के। वैसे ही हमने और भी क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आपने उन वीडियो में से कुछ भी मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो शुरू कर सकते हो, ठीक है, वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो उसका पहला पॉइंट है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में थ्री टर्म्स यूज होते हैं, एक है सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसका हम थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सराउंडिंग वो पार्ट है जो सिस्टम के अलावा प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके बनेंगे यूनिवर्स। तो सपोज आपके पास एक कप ऑफ टी है, इस कप ऑफ टी को हमने एक रूम में रखा है। तो ये कप ऑफ टी आपका हुआ सिस्टम, क्योंकि आप इस कप ऑफ टी का थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ये कप ऑफ टी के अलावा इस रूम में जो भी चीज है या जो भी है वो हुआ आपका सराउंडिंग, और ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग हुआ आपका यूनिवर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दोनों भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी भी मैटर भी विद सराउंडिंग। जैसे आपका कप ऑफ टी जो एनर्जी भी जो है वो एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ अपना हीट एनर्जी, क्योंकि आप कप ऑफ टी को ज्यादा देर तक रखोगे तो ठंडा होने लगेगा, इसलिए वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, साथ ही साथ वाटर वेपर के फॉर्म में वो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है, तो हुआ ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में यदि आप कप ऑफ टी को एक प्लेट से ढक दो तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा बट नॉट मैटर। तो आप क्या एक्सचेंज करेगा? एनर्जी, बट मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा विद सराउंडिंग, और उसे हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कुछ भी अलाउ नहीं करेगा एक्सचेंज के लिए, ना एनर्जी ना मैटर विथ सराउंडिंग। तो एक थर्मो फ्लास्क में यदि आप चाय रख दें तो ना वो एनर्जी ट्रांसफर करने वाला है सराउंडिंग को ना मैटर, तो हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। तो कितना मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, उसका अमाउंट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मास क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वो प्रॉपर्टी जो इन चीजों पर डिपेंड करेगा उन्हें कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, और इसलिए ये हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम अमाउंट ऑफ मैटर इन सिस्टम। मतलब आपके सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उससे इस प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट,
इन प्रॉपर्टी को आपके सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम, कि आपका सिस्टम का स्टेट क्या है, और वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम पाथ फॉलो टू अटेंड इट, उसे कहेंगे स्टेट फंक्शन। मतलब इसका मतलब ये है, आपका सिस्टम सपोज ये स्टेट में है और उसको ये स्टेट में जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा सिर्फ ये और ये स्टेट पे। ये मैटर नहीं करेगा कि इस सिस्टम को इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, इस पाथ पे वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करेगा दो डिफरेंट स्टेट्स पे, और इसलिए इसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है पाथ पे, मतलब इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, यदि उस पे वही आपका सिस्टम डिपेंड कर रहा है तो उसे कहेंगे पाथ फंक्शन, जैसे कि वर्क, हीट। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड इट्स टाइप। तो बेसिकली अभी फोर प्रोसेसेस है जो आपको पता होना चाहिए, एक्चुअली वो फाइव है। तो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जो जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो रिमेन होता है कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के समय आपका सिस्टम का टेम्परेचर जो रहेगा सेम। आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट, इसलिए वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। सॉरी, नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो अगेन मीन्स सेम, बारिक मीन्स प्रेशर, तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब आपके सिस्टम का प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, चोरिक मीन्स वॉल्यूम, तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब आपके सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है तो उसे कहते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस। और नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जहां कोई एक्सचेंज नहीं होता ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो उसे कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, जो रिप्रेजेंट होता है क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हमने यहां पे नहीं लिया था, बट रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां से हम जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वापस आ सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स क्या होते हैं? पहला, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स जो है और सिर्फ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी से डिफर करता है। दूसरा, जो प्रोसेस है वो रिवर्स किया जा सकता है बाय वेरी स्मॉल चेंज इन कंडीशन। तीसरा, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड करता है इनफाइनाइटली स्लोली, ठीक है, और वो टेक प्लेस होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लोली अकर होता है और बहुत सारे स्टेप्स में अकर होता है। और साथ ही एक याद रखे कि हर स्टेप के एंड में रिवर्सिबल के प्रोसेस के सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेंड करता है विद सराउंडिंग। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू। तो जो प्लस क्यू है वो ये बताता है कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है, तब वो होगा प्लस क्यू। तो देखिए प्लस क्यू मतलब सराउंडिंग से हीट सिस्टम के पास जा रहा है, माइनस क्यू जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग के पास जा रहा है, तो सिस्टम हीट लॉस कर रहा है इसलिए माइनस क्यू। प्लस डब्ल्यू जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सिस्टम पे वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग। ऐसे केस में जहां सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है ओ प्लस डब्ल्यू, क्योंकि सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। बट जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तो सिस्टम को मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए तब हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो जब भी कुछ सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर होगा तब वो पॉजिटिव है, और जब सिस्टम से सराउंडिंग पे होगा तब वो नेगेटिव है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसका एक्सप्रेशन है W इक्वल्स टू माइनस वी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन।
W means work done, P external means external atmospheric pressure, V2 final volume, V1 initial volume. Next, free expansion work done, the W equals to minus P external delta V. But गैस जब वैक्यूम में एक्सपैंड हो रहा है, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तब वहां पे कोई भी अपोजिंग फोर्स या पी एक्सटर्नल है ही नहीं. यदि पी एक्सटर्नल जीरो है तो जीरो इंटू डेल्टा वी भी जीरो हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू जीरो. तो फ्री एक्सपेंशन या फिर वर्क डन इन वैक्यूम जो है वो जीरो होता है. इसलिए नो वर्क इज डन when gas expands freely in vacuum. तो जब भी gas freely vacuum में expand होता है, कोई भी work नहीं होता. Next, expression for maximum work. तो W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. V2 final volume, V1 initial volume. In terms of pressure, W max equal to minus 3.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. P1 initial pressure, P2 final pressure. Next, internal energy U. हर एक सब्सटेंस के पास उसका कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और ये एनर्जी उस सब्सटेंस के अंदर स्टोर होता है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी या फिर U कहते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इनमें से थ्री, ये थ्री स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट के टर्म्स में आप कह सकते हो. तो एग्जाम में यदि दिया हो, राइट द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और गिव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. पहला है, एनर्जी जो है यूनिवर्स का वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. ना आप एनर्जी को देखो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा यू दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू. नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस. तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मींस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है. दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्यू प्लस, मतलब देखो आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में, जीरो, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. इसलिए अब आपका फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया, इसलिए जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू. नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, उस केस में Q हो जाता है जीरो. और Q जीरो हो गया तो माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W. नेक्स्ट, फॉर आइसोचोरिक प्रोसेस जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो W की जगह जो है अभी आप क्या कर सकते हो, W की जगह आप लिख सकते हो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. अब ये रिएक्शन जो है वो क्लोज कंटेनर में हो रहा है, दैट इज आइसोचोरिक है, मींस डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो. तो उस केस में डेल्टा U इक्वल्स टू Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस जहां प्रेशर कांस्टेंट है, उस केस में QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जहां प्रेशर कांस्टेंट है. नेक्स्ट, एंथैल्पी. एंथैल्पी का फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीई डेल्टा वी, और ये डेल्टा एच हुआ एंथैल्पी. कोई भी रिएक्शन थी जहां सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है, उस केस में वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होता, और इसलिए उस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा वी जीरो कंसिडर किया जाता है.
फॉर रिएक्शन जहां सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है, वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी जीरो है, तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। नेक्स्ट है उन रिएक्शंस के लिए जहां गैसेस इन्वॉल्व है, उस केसेस में आप डेल्टा वी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे काफी वॉल्यूम चेंज होता है, तो उस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नेक्स्ट वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, तो वर्क डन जो केमिकल रिएक्शन में वो है डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर टी प्लस एन वन आर टी। जैसे कह सकते हो एन टू एन वन को डेल्टा एन जी, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन जी आर टी। यदि एन टू एन वन से ग्रेटर है, तो सपोज एन टू एन वन से ग्रेटर है, उस केस में डेल्टा एन जी जो है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहां एन टू माइनस एन वन है, करेक्ट, और एन टू एन वन से ग्रेटर है तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया, तो डब्ल्यू दैट इज वर्क डन जो है वो लेस देन जीरो है। और ऐसे केस में यदि वर्क डन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब माइनस वर्क डन है, और जब माइनस वर्क डन है मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तब वो माइनस डब्ल्यू होता है। बट सपोज इफ एन वन जो है वो ग्रेटर देन एन टू है, तो उस केस में डेल्टा एन जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मतलब सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट जब एन वन इज इक्वल टू एन टू मतलब डेल्टा एन जी जीरो हुआ, तब कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो वो एंथैल्पी चेंज जो होता है जब एक मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में एट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब वन मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जहां पे चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर और प्रेशर, उस केस में जो भी एंथैल्पी लगेगा वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये वो एंथैल्पी चेंज है जहां पे वेपराइजेशन हो रहा है वन मोल ऑफ लिक्विड, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वन मोल ऑफ लिक्विड को वेपराइज होने के लिए जितना एंथैल्पी लगेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वो एंथैल्पी चेंज है जहां वन मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली उसके वेपर में कन्वर्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, पहला है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये वो एंथैल्पी चेंज है जहां एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फ्रॉम वन मोल ऑफ गैशियस एटम, मतलब वन मोल ऑफ गैशियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी होता है जो ये कहता है कि वो एंथैल्पी चेंज है जहां वन मोल ऑफ गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जितना एंथैल्पी लगेगा और गैसियस आयन में कन्वर्ट होने के लिए जितना एंथैल्पी लगेगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन दोनों अपोजिट है। आयनाइजेशन मतलब एक मोल ऑफ गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा, और एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है, एक मोल ऑफ गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डाल के उसको गैशियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो ये वो एंथैल्पी चेंज है जहां डिसोसिएशन होता है एक मोल ऑफ गैशियस सब्सटेंस का इनटू एटम। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो एंथैल्पी चेंज है जहां पे वन मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंज क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
कब? जब दोनों भी रिएक्टेड और प्रोडक्ट अपने डेफिनेट फिजिकल स्टेट में हो विद फिक्स अमाउंट ऑफ मोल्स जो उनके ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए गए हो। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस वो होता है जब सब्सटेंस अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। तो कोई भी सब्सटेंस जब वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा। नेक्स्ट है कोई भी कंपाउंड का वो एंथैल्पी चेंज है जो अकंपनी होता है एक रिएक्शन के साथ जब 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में इन इट्स विद इट्स एलिमेंट जो है वो फॉर्म होता है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है? वो एंथैल्पी चेंज है कोई भी रिएक्शन में जहां 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड फॉर्म होता है उसके स्टैंडर्ड स्टेट में फ्रॉम द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का जहां 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसके स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये वो एंथैल्पी चेंज है जो रिक्वायर होता है ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सके टू प्रोड्यूस गैशियस एटम और रेडिकल इज बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो दो एटम्स होते हैं, तो 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए गैशियस रेडिकल या गैशियस एटम में जो एंथैल्पी लगेगा उसे कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या था? इट वॉज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। नेक्स्ट है हेज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। तो हेज लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है कोई भी रिएक्शन का वो इक्वल होता है सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इंडिविजुअल स्टेप इन रिएक्शन। मतलब सपोज कोई रिएक्शन 4 स्टेप्स में हो रहा है तो 4 स्टेप्स में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा हर एक स्टेप का उसका जो सम होगा वो होगा ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ। हेज लॉ बहुत यूजफुल है कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन विद देयर एंथैल्पीज बीइंग नोन एक्सपेरिमेंटली नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक्चुअली मेजर है ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या रैंडमनेस। तो मॉलिक्यूल में कितना डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है उसका मेजर होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज कोई भी सिस्टम का वो इक्वल होता है टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू इट इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी केल्विन। तो ये है आपका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम दैट इज डेल्टा एस जो इक्वल है टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन एट विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up and share this video more and more and subscribe this video. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.